बेटा फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। कल बाबूजी से बात करेंगे ना, फिर दोबारा हम जैदी से बात कर लेंगे, ठीक है? यार ये बग्गी वगैरह हम सब कर लेते, बट मामा चाहती हैं कि ये शादी जरा सादगी से हो जाए। सबा तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था, मगर आज चाहूं भी तो नहीं कर सकती। क्या हुआ? एक बात कहो, अगर वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती है ना, तो देख लेना वो खुद ही आ जाएगी घर, या तुम्हें कॉल कर लेगी। बस तुम अपनी चीजों की तरफ ध्यान दो, पहले ही हम लोग बहुत परेशान हैं, तुम्हारे अब्बू को पता लगेगा तो बहुत ज्यादा उन्हें दुख होगा। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शाबाश मेरे बच्चे। अस्सलामुअलैकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम या। कैसी है तबीयत बाबूजी आपकी? हम ठीक हैं बिल्कुल, बोलो खैरियत? हाँ बस मैं पूछ रहा था कल आ रहे हैं इंशाल्लाह। कोई काम है तो बताओ। बस कुछ बात करनी थी। अच्छा ठीक है, फिर हम कल आते हैं। ठीक है बाबू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बातों में तो टाइम का ही पता नहीं चला। हाँ कहते हैं कि जब वक्त अच्छा गुजर रहा हो तो टाइम का पता ही नहीं लगता। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। लाइकवाइज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अजनी तुमसे भी। थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम तुम दोनों ने जल्दी चक्कर लगाना है। हाँ बिल्कुल। और चल भाई अब आए ना तो हैवी बैग जरूर लेके आइएगा, मैं ग्राउंड लगाऊंगा। अच्छा ठीक है। सिर्फ एक मिनट। हेलो हेलो, कहाँ गायब है जनाब? बताया तो था फ्रेंड्स आए हैं। अब तक गए नहीं? नो। अच्छा तो जरा मुझे भी तो दिखाओ कौन से दोस्त हैं तुम्हारे। अभी नहीं हो सकता ना ये। नहीं, वीडियो कॉल ऑन करो और दिखाओ कौन से दोस्त हैं। अरे 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 कुछ नहीं भाई, वीडियो ऑन करो। चलो फिर जिद कर रही भाई। मैं तो ऐसी हूँ, ऑन करो वीडियो। बैटरी बिल्कुल एंड पर है। वीडियो ऑन करें आप, कोई बहाने नहीं चलेंगे, ऑन करो चलो। ओके, फोन बंद हो गया तो मेरा जिम्मा नहीं। जुनैद को तो आप जानती हैं। हेलो जुनैद। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। और ये मेरे दोस्त। बैटरी खत्म। बैड लक। माफी, बैटरी एंड हो रही थी। और अब हमारे भी जाने का वक्त आ गया। चलो, I'll see you guys soon. तुम ऑफिस आ जाना, फिर प्लान करते। ठीक हो गया, लेकिन शॉपिंग पे कब जा रहे हो? ये तो कल फाइनल होगा कि कब जाना है। बस बता देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने भाई के साथ शॉपिंग पे जाएं। चलो। बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ, इंशाल के साथ क्या हुआ? मैं तो दुआ करी हूँ कि इनका प्रोग्राम बन जाए,
कुछ अरसे के लिए यहाँ से चला जाए। हाँ, जफर को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि सबा की शादी तय हुई है, वरना वो जाएगा नहीं। मैं कोई पागल हूँ जो उससे बात करूंगी? बस हम ना जल्दी जफर के लिए लड़की ढूंढते, उसकी शादी कर देते। बीवी आ जाएगी तो खुद ही संभाल लेगी। मैं सोच रहा हूँ कि अहमद भाई से फिर बात करता हूँ। उस वक्त मैं रुक गया था भाई साहब की वजह से। हाँ, अब तो हाशिम ने करनी नहीं है, तो आप बात कर लेना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं सुबह कॉल करता हूँ अहमद भाई को भी और बाबूजी को। बाबूजी को क्यों? अरे भाइयों से सलाह मशवरा कर लेंगे और फिर रिश्ते की बात करने के लिए उन्हीं के साथ जाएंगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुजुर्गों की बरकत होती है। चलो ठीक है, सुबह देखते हैं। ठीक है। और हाँ, एक बात फिर याद दिला रहा हूँ, भोले से भी तुम्हारी जुबान से बात ना निकले सबा की शादी की। गलत की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसे पता लग गया ना, गले पड़ जाएगा सबा की मंगेतर। आपसे ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र है, भूले से भी मेरे मुंह से ये बात नहीं निकलेगी, यकीन आ गया। या अल्लाह, बस जफर की अच्छी जगह शादी हो जाए तो दिल को इत्मीनान आ जाए। इंशाल्लाह। जैदी भाई कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, ना बताएं। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं सुबह होती रजा साहब के घर जाऊंगी और अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगूंगी। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि अम्मी, अगर आप वहां जाकर मेरे रिश्ते की बात करें, ये ठीक नहीं है। क्यों? अम्मी, अगर वो लोग आए मेरे रिश्ते की बात करने, तो उस घर में मेरी इज्जत कुछ और होगी, और अगर आप जाएंगे तो तुम ही बताओ फिर क्या करें। इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे हाशिम में वो सब नजर नहीं आ रहा जो शुरू में था। अम्मी, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपने पेरेंट्स के इतने रिस्पेक्ट करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, वैसे नहीं है। वैसे जैदी भाई ने अपनी जिद के आगे हमारे साथ ज्यादती की है। नहीं अम्मी, उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। मजबूरी क्या, दोनों भाइयों की आपस में रंजिश है। सिर्फ मुझसे भी ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या? मुझे जैदी भाई को बुलाना ही नहीं चाहिए था, सारी बात मैं खुद तय कर लेती, बाद में उनके इल्म में ले आती। अब क्या फायदा, अब तो जो होना था हो गया। नहीं, आगे जो होना है वो मेरी मर्जी से होगा। मेरी प्यारी अम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। मेरा दिल कहता है कि जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल करते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो, बस अब अपने घर की हो जाओ, मेरी सारी परेशानी खत्म। जफर जब बाहर दोस्तों में जाए तो तुमने फोन करके ख्याल रखना, कहीं मैं भाईसा की तरफ दोबारा ना चले जाए। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं जफर को वहाँ जाने नहीं दूंगी। अगर कल को तुम्हारे घर में फिर से यही तुम्हारे खानदानी मसले शुरू हो गए, तो तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे क्या? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? पहले नहीं लगता था, अब ऐसा लगता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम थके हुए आए हो, लेकिन बात करना जरूरी है। मैं कौन सा पैदल आया हूँ, बाई एयर आया हूँ, आप लोग बात करें। असल में हम लोग चाह रहे थे कि सबा जब यहाँ से जाए तो एक दूसरी बेटी घर में आ जाए। हाँ बेटा, वरना सबा के जाने के बाद ये घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, सारे हालात तुम्हारे सामने है ना, अगर जैदी अपनी जिद पे अड़ा रहा तो फिर मुझे मुमकिन तो नजर नहीं आ रहा होगा। जी, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे वलीमे में सबा की रुखसती करते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अबू, चाचू और आपका मामला है और मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ों के बीच में हूँ।
बेटा अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारी माँ को अच्छी सी लड़की ढूंढ निकाले और हम। और बेटा अगर जैदी भाई नहीं मानते तो कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। जो आप दोनों को मुनासिब लगे, जो आप बेहतर समझे। देखो बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ माँ ही औलाद की फीलिंग्स नहीं समझती, बाप भी समझता है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात का बेटा? जिस तरह तुमने अपने जज्बात को अपने अंदर खामोश रखा और हमारी बात पे रजामंदी जाहिर की ना, उसका शुक्रिया। प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करें इस तरह की बात। जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया। अरे बेटा मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, जिनको तूने मार दिया तो अपने माँ बाप की बात को अहमियत दी है ना। अब वो ऐसे जज्बात पे मर जाना ही है जिनसे रिश्तों में दूरी आ सकती। नहीं बेटा नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अपने जज्बात को मारो, तो हमारा एहतराम अपनी जगह, तुम्हारी जिंदगी है बेटे। हाँ हाँ, पर हम हाशिम की खुशी में खुश थे और अब भी हैं। तो फिर आप लोगों का क्या हुक्म है? तुम दोबारा आयमा से रابطہ करो। क्या मतलब? देखो अगर हालात काबू में आ जाते हैं तो हम बच्ची को दो जोड़ों में घर ले आएंगे। और बेटा तुम्हारा घर तो बसाना ही है ना? जी मैं आयमा से रابطہ करने की कोशिश करता हूँ। शाबाश बेटा, अब तुम आराम करो, थक गए हो। अल्लाह पाक कुछ ऐसा कर दे कि सबा के साथ साथ मेरे बेटे के सहरे के फूल भी खिल जाएं। आमीन आमीन आमीन। चलो बेगम से आराम करें। मेरे खुदाया, घर के काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा तुम वाकई कितनी जज्बाती औरत। अरे सारी जिंदगी तो मेरे साथ तुमने गुजार दी, और शक किया भी तो कब, जब बेटा हमारा जवान हो गया। हाँ तो क्या आपको नहीं पता, मर्द की जवानी से ज्यादा ये मंझली उम्र खतरनाक होती है। मंझली उम्र? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ आपको। देखिए जब मर्द की जवानी जाने लगती है ना और बुढ़ापा शुरू होता है, तो वो ये साबित करने के लिए कि वो भी बूढ़ा नहीं हुआ, जवान है, उसकी नजरें और दिमाग ज्यादा काम करता है। तुम्हें सब बातें किसने बताई? अम्मा ने बताई थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अब्बा मंजली उम्र में बड़ी शैतान थे और तुम्हारी अम्मा ने ये सब उस तजुर्बे की बुनियाद पे तुम्हें बताया। हाँ तो उन्होंने अच्छा किया ना, आज वो बातें काम आ रही है ना मुझे। अरे भाई तुम्हारी अम्मा तो इस जहाने फाने से कुछ कर गई और हमें इस उम्र में फंसा गई। अच्छा बस बस, मेरी मरहुमा माँ के लिए एक लफ्ज भी मत बोलिएगा वरना। वरना क्या भाई, तुम्हारी अम्मा हमारी बड़ी खाला भी थी, जिनकी हमने बड़ी इज्जत की, कभी दिल से कभी मजबूरी से। क्या मतलब मजबूरी में? अरे भाई जब तक वो हमारी खाला थी दिल से उनकी इज्जत करते थे, और जब वो हमारी सास बनी तो फिर तो मजबूरी थी ना। सीधी आप भी ना ऐसे ही हंसती ना, ऐसे भी कुछ मुश्किलें कम है क्या? हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जफर के बारे में आपने क्या सोचा? क्या सोचा? बस वो दोस्तों के साथ बाहर जाए और फिर बाबूजी को बुलवा लिया मैंने, उन्हें सब कुछ बता के फिर देखते हैं क्या करना। हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। देखो जफर जब बाहर दोस्तों में जाए तो तुमने फोन करके ख्याल रखना कि कहीं वो भाई साहब की तरफ दोबारा ना चले जाए। नहीं नहीं आप फिक्र मत करें, मैं जफर को वहाँ जाने नहीं दूंगी, और मेरी नजरें हमेशा आप पर और जफर पर ही रहेंगी।
अरे मुझ पे तो तुमने सारी जिंदगी नजर रखी, और कितना टाइम रह गया, रखो नजर। हाय हाय, रखनी भी पड़ती है ना। हेलो हेलो, कैसी हो आयमा? ठीक हूँ। नाराज हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझा नहीं। मैं तुमसे गुस्से में हूँ, नाराज हूँ, तकलीफ में हूँ। मैं क्या फील कर रही हूँ ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तुम हो और तुम्हारा एटीट्यूड, और दूसरी तरफ अम्मी हैं और उनका खामोश एहतजाज, और तीसरी तरफ मैं खुद अकेली और तन्हा। और जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ मुझे सिर्फ खामोशी नजर आती है। और उस खामोशी ने मेरे दिमाग को झंझोर के रख दिया है हाशिम। मैं सब समझ सकता हूँ आयमा, मैं बहुत मजबूर था, सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। मुझे लगता है कि तुम आगे भी कुछ नहीं कर सकोगे हाशिम। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कराची नहीं था, अभी वापस आया हूँ, और अबू ने मुझसे खुद बात की है। क्या क्या कहा अबू ने? यही कि दादू जैदी चाचू से बात करेंगे कि वो रिश्ते के लिए हामी भरें। हाशिम, मैंने रिश्तों को कभी इतना मुश्किल होते हुए नहीं देखा, और जिस कदर हमारे रिश्ते की डोर उलझ गई है, मुझे नहीं लगता कि। ऐसी बातें नहीं करते आयमा, तुम मुझे बताओ कि मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हाशिम, लेकिन मेरा भी कोई कसूर नहीं था। तुमने मेरे दिल में मोहब्बत का दीप जलाया, मुझे तो उस वक्त पर अफसोस होता है जब मैं तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी। तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल जायज है, मगर मगर क्या हाशिम, अगर कल को तुम्हारे घर में फिर से यही तुम्हारे खानदानी मसले शुरू हो गए तो तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे क्या? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? पहले नहीं लगता था, अब ऐसा लगता है, क्योंकि तुमने मेरा नहीं मेरी माँ का दिल भी दुखाया। तुम गुस्से में हो, मेरे ख्याल कल बात करते हैं। बात कल हो या आज, अगर जख्म लगा हुआ हो ना तो दर्द हर दिन होता है। मैं समझ सकता हूँ आयमा, चलो मैं तुम्हें कल ऑफिस से कॉल करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है? नेटवर्क इशू है, कॉल क्यों नहीं मिल रही है जवाब को? फिर से ट्राई करती हूँ। ऑन जवाब, पिक अप द फोन यार, बात करनी है, फोन ही नहीं उठा रहे साहब। क्या करूँ जुनेद, उसका तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। फिर से ट्राई करती हूँ। जब तुम्हारा नंबर ऑन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं ऑफ हो जाती हूँ। ऐसे फोन का क्या फायदा जो बात ही ना हो सके। तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुबह ही सबा की अम्मी को फोन करके शादी से इनकार कर दूंगी। कह रहे थे कल कॉल करेंगे, आज मैं गुस्से में। ठीक है, अब फोन आया तो तुम आराम से बात करना, झगड़ा नहीं करना, और पूछना कि चाहता क्या है।